पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। पीपल को बचाने के लिए ऋषियों ने कहा कि पीपल के अंदर भगवान का वास है, इस पीपल वृक्ष में देवता रहता है, तो वास्तव में यह पवित्र करने वाला यह देव वृक्ष है। बहुत सारे मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं, यदि चोट लग जाती है तो घाव ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, किसी भी तरह का कोई भी प्रयोग से घाव ठीक नहीं हो पाता है। तो नीम के पत्ती को उबालिए, पीपल के पत्ती को उबालिए, पीपल और नीम के पत्ती को उबाल करके और उससे आप उसको घाव को धो दीजिए, फिर आप देखेंगे वो घाव सूखना शुरू हो जाएगा। फिर भी वो घाव नहीं सूखे तो पीपल की छाल को निकाल दीजिए, छाल को निकाल करके अंदर की छाल को गौमूत्र में घिस करके आप उस घाव में लगा करके बांध दीजिए, घाव की बदबू खत्म हो जाएगी और घाव भरने लग जाएगा। ऐसे रोगियों में भी हमने प्रयोग किया, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसको घिस और उसको उस जगह पर लगा देने से घाव सूख जाता है, घाव भर जाता है। चेहरे पर निशान है, झाइयां हैं, जो स्किन की जो स्थिति है बहुत काली पड़ गई है, बहुत अच्छी नहीं हो रही है, तो पीपल की अंदर की छाल को निकाल लीजिए, छाल को निकाल करके सिलबट्टे पर पीस करके भी या उसको घिस करके भी थोड़ा शहद मिला करके आप चेहरे पर लगा दीजिए, मक्खी से बचा करके रख लेना। बाकी फिर आप देखेंगे आपका चेहरा बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत कांति की तरह से खिलने लगेगा। तो यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। जिनको आर्टुकेरिया है, शीत पित्त है, उन भाई बहनों को भी मैं बताना चाहूंगा, एक चम्मच घी में आप 1 ग्राम काली मिर्च पीस करके उसमें डाल दें, उसको खा करके आप 1 कप जो है इस पीपल के पत्ते का रस पी जाएं। एक बार आप रस पी लोगे और यदि 10 मिनट में असर ना दिखाए तो आप मुझे बताना, बहुत ही लाभकारी है, चमत्कारिक है। आर्टुकेरिया के लिए न जाने कितनी आप दवाइयां सेवन करते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है। जैसे मैंने बताया 10 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा, 5-7 दिन सेवन करोगे तो हमेशा के लिए वह समस्या का समाधान आपको हो जाएगा।